और जैसे मैंने गाया वन पर्टिकुलर सॉन्ग अगर आप चोली के पीछे पे आना चाहते हैं तो मैंने गाया तो मेरी मदर ने कहा रही, ये गाने की क्या जरूरत आई कैंट क्लेम कि मैं मेरे दादे पड़दादे ऐसे गाते थे सिंगर बनना वो भी एक औरत के लिए हमारे घर आने में तो उस समय उनको बोलते है, महरासी है, नाचने गाने का काम है नाटक वाले झोले वाले तो, तो ऐसा शब्द भी नहीं बोल सकते थे आज की जनरेशन फेमस पहला होना चाहिए अब टैलेंट बहुत ज्यादा है

उसको इंजॉय करना अपने आप को एक्सप्रेस करना अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करना बिकॉज एज यू नो राजस्थान इज़ फुल ऑफ फेस्टिविटी, फुल ऑफ कलर्स फुल ऑफ मैल चौबारे कॉमन मैन सब लोग रंग से भरे हुए हैं भावनाओं से भरे हुए हैं तो वो मैंने बचपन जिया है और जो मुझे नॉस्टेलजा उसका हमेशा रहता है क्योंकि तो उतना जो जयपुर ने या जोधपुर ने मुझे दिया है या राजस्थान ने मुझे दिया है वही मैं हूँ आज टाइम आई डिट रियलाइज की मैं मेरे दादे पड़दादे ऐसे गाते थे या मैं ऐसी एक्ट्रेस थी ऐसा कुछ नहीं है पर मैंने राजस्थान को इतना जिया है कि जब मैं बाहर आ गई बाहर लोगों से मिली या उन्होंने मुझे देखा मेरे पहनावे को देखा मेरे गाने को सुना जो कि मैं अपने लिए गाती थी जब हम शूटिंग करने जाते थे कहीं भी सो वैल्यू ऑफ बर्थ प्लेस और मेरे अंदर कैसे चला गया जी. तो सोच के नहीं सोचा था जब तो बढ़ते गए लोग जब एक्नोलेज करते हैं तो आपको भी अपने बारे में एक विश्वास एक रिकनफर्मेशन हो जाता है yeah. कि शायद मैं ऐसा कर सकती तो जब आपने घर पे बताया

तो बहुत ही सोचते थे कि विद ड्यू रिस्पेक्ट बिकॉज आई एम सराउंडेड आई लिव विद माय आर्टिस्ट कम्युनिटी एंड दे आर माई फैमिली पर hmm. तो उस समय उनको बोलते हैं महरासी है, नाचने गाने का काम है नाटक वाले झोले वाले hmm. यू नो तो ऐसा शब्द भी नहीं बोल सकते थे वो कि हमें बनना है बट ऑन द अदर हैंड माय मदर वॉज ऑलवेज वेरी कीन कि हर बच्ची छोटा मोटा एक एक लड़की में कला का कोई गुण होना चाहिए सो वी ऑल यूज टू गो टू वन म्यूजिक संस्थान okay. कोई सितार सिख रहा है कोई क्लासिकल सीख रहा है पर वो एक अच्छी लड़की के गुण की तरह सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि मस्ती के लिए गाती थी फोक गाती थी जी. तो फोक सिंगर बनाई तो ना मैंने सोचा था ना मैंने कहा बट हाँ एक्ट्रेस का बहुत था थिएटर का हाँ. तो वो उसके लिए बहुत पाबंदियां थी पहली बार थिएटर करो मत करो तो उतना ही करो जितना की

दिया स्कॉलरशिप देन आई वेंट समाज का एक हिस्सा मान। जी और वो समाज से कट के नहीं रहना चाहते हैं और हमारे यहाँ तो फैमिली थोड़ी बड़ी थी लड़कियां साथ थी तो वो फिर यह होता है कि इनकी शादियां नहीं होगी अगर एक बहन ने गड़बड़ कर दिया तो दूसरी पे अफेक्ट करेगा yeah. तो परंपराएं और ये सब होता चाहे आप कुछ भी मॉडर्न कह लें जो कि हमारा प्ले कहता है कि परंपराएं हमेशा पीछा करती हैं, पीछा करती परछाइया जो आपके पूर्वज थे उनको उस जमाने मेरे जमाने में क्योंकि आई हैव एज तो उस समय उनको इतना चेंज करना मुश्किल था जी। आपने ये कब रियलाइज किया आई बिकम <laughs> फेमस की क्या होता है कला मेरा ये ध्यय नहीं था देखिए हाँ। वही वही जनरेशन गैप है आज की जनरेशन फेमस पहला होना चाहती है, पर धीरे धीरे जो तो हाँ। फॉलो करेंगे तो ये आपको तब पता लगता है कि जब आप जहाँ से भी गुजरते तो अगर वो आके कहते हैं कि हमने आपके रेशम के रुमाल पे क्या आपके बिछोड़ा पे क्या हम स्कूल में क्या करते थे हम हम अस्सी कली का लहंगा किया तो मेरे गाने इतने घर घर हर स्कूल हर शादी हर कॉलेज में इतना पहुंच जाएंगे इसकी मुझे कल्पना नहीं तो अगर आपकी सिंसियरिटी अपनी कला के प्रति है चाहे वो थिएटर है चाहे वो म्यूजिक क्या फिल्म तो क्या दूसरे के भरोसे जब तक वो आपको बुलाएंगे नहीं क्या पाएगी तो वो आई थिंक सिंसियरिटी पीस सिंसियरिटी आपके फैंस भी बना देती है और फैंस ना भी बने तो दिस शुड नॉट बी आर विद ठीक है नेम फॉर योर सेल्फ लाइक इलाम बिकेमा हाउस होल्ड ने बट यू ऑल्सो मेड योर स्टेट वेरी फेमस ठीक है बट बैक देन इफ आई कम्पेयर यू टू योर कॉम्पिटिटर्स बैक देन गुड गर्ल इमेज इज योट दैट डिड यू ऑन द हाइंड साइड क्या आपको कभी लग रहा था यार दिस शुड नॉट बैक फायर ऑन मी और माई फैमिली क्या वो डोट आई डोटर देखिए हम कोई चीज जान के तो करें कोई भी चीज अगर आप पूछे मेरे जो फोक सॉन्ग्स है ना वो तो रियल है हाँ। तो जो कल्चर राजस्थान में है जो 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 जब शादी होती होती तो होती है होती है है तो भाभी देवर की की मजाक मजाक साली या होली पे जो छेड़छाड़ होती है आई एम दैट प्योर फोक पर्सन जो कि वहां के सेंटिमेंट को उसको कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता अब अगर आप हेर फेर के एक दो ऐसे गाने पाएंगे जो कॉमर्शियल फिल्मी गाने हैं तो उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं सिचुएशनल होते हैं और वो वही लोग तय करते हैं और जैसे मैंने गाया वन पर्टिकुलर सॉन्ग का अगर आप चोली के पीछे पे आना चाहते हैं तो मैंने गाया तो मेरी मदर ने कहा रे ये गाने की क्या जरूरत है मदर ने पूछा था तो मैंने कहा तुम कमाल करती हो जब राधा कृष्ण की लीलाओं की बात होती कन चुकी मेरी ये हो गई ये ऐसी हो गई तो आप उस सब जिक्र आता तब आपका ध्यान नहीं गया ये एक सिचुएशन है और लड़के क्या करते थे उस जमाने में आप लोग तो, तो यहाँ के पढ़े लड़के जो होते थे वो अः लड़कियां निकली नहीं कि उनका दुपट्टा खेच लिया उन्होंने और उन्हीं का दिया हुआ इस शब्द की चोली के पीछे क्या है साइकी ऑफ अ अ यूथ एंड बॉय हु इज डूइंग अजग टीजिंग यू नो ये तो, you know? yeah. तो, तो रियलिटी है उस रियलिटी को गाने में क्या तो उनको थोड़ा सा झटका लगा था उन्होंने कहा भी फिर बाद में खुद ही इतनी खुश होने लग गई तो कि उनको लगा वो जाके ग्रॉसर की दुकान में मैं इला की माँ मैंने कहा अभी अभी क्यों कह दिया तुमने मनो यू शुड बी नाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एज मदर तो मैंने कहा मम्मी वाह वाह क्या जमाना <laughs> बट हम जो काम करते हैं आशा जी हैं लता जी उन्होंने पेट्रियोटिक गाने भी गाए वंदे मातरम भी गाया जन जन मन भी गाया और आप कैबरे नंबर आशा जी के सुन लीजिए एक से कैसे तो सिचुएशन अगर उन्हें कोठे वाली का गाना गाना है तो कोठे वाली का करना पड़ेगा जी है ना अगर उन्हें कोई भजन गाना तो एक से एक भजन गाए उन्होंने जी। तो आर्ट आर्ट जो है वो है वो इंटरप्रेट करता सोसाइटी साहित्य समाज का दर्पण तो मेरा ऐसा कुछ नहीं कि मैंने गंदे गाने गाए या मैं और अगर गा भी लेती अगर उससे मुझे बहुत इनकम हो रही होती तो मैं शायद कहती बहुत अच्छा कैनो नथिंग इज डेलीब्रेट जो गाने नेचुरल आते हैं वो मैंने गाए और बहुत प्रसिद्ध हुए तो जब प्रसिद्ध हुए तो और अच्छे गाने जैसे रेशम करुमाल

ऐसे करो तब तुम्हारी फैंस आएंगे तुम्हें देखने के लिए तो दे टू टू ट्राई डू वो नहीं करते थे उनका सेक्रेटरी करता था यू yeah. नो you know? कोई तो कोई करते थे इन लोग पर हम लोगों का ये था कि हम लोग को ये काम मिल जाए hmm. और जो काम मिल जाए उसको हम उस पर अपनी छाप छोड़ दें वंस यू डू दैट एंड इफ इट रीचेज आउट इफ यू आर लकी मेरे टाइम पे बहुत कुछ हो गया मतलब जो सोचा नहीं था हो गया ऐसे जबरदस्त वीडियोस बने जिनकी कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊं आज एक कमरे में वीडियो वीडियो बन जाता है वीडियो हो गया और सिंगर स्टार yeah. so so भी हर जगह अवेलेबल है yeah. आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तो उसकी जन्मपत्री तक मिल जाएगी उसकी तौलिया कहाँ सूख रही है उसकी क्या वो मैंने वो वर्ल्ड टूर भी करा हुआ है शाहरुख सैफ और रवीना और ये सब लोग थे वो तब स्टार्स दिखते नहीं थे हम भी क्रेजी थे ना धर्मेंद्र जी के अमित जी के वो दिखते नहीं थे अब सब दिखते हैं तो बात फर्क है सो आई थिंक नाउ द टाइम हैज कम टू यस टू टॉक अबाउट पीछे अगर की परछाई एंड मूविंग फ्रॉम योर सिंगिंग टू योर एक्टिंग ओके एवरी टाइम यू हैव डन समथिंग ओके यू ऑलवेज मेक हेड टर्न व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर लाइक दिस ठीक है How much of do do you 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 take take into the the character, character and do you ever take that character home? Yes, are right. It happens both ways. Uh -huh. पात्र में गुंजाइश होती है कि आप खुद को तो नहीं डाल सकते hmm. क्योंकि जो यशोधरा भाई पीछा करती परछाई में है वो मैं हूं नहीं वो मेरी सरकम नहीं थे तो ये जब आप करते हैं और जब इसको खत्म करते हैं तो आप पाते हैं कि आप अपना आधा इला अरुण छोड़ आए

उस समय काट दिए थे वो डिलीटेड सीन अगर आप देख लेते वो सीन मेरे अंदर हमेशा से रहा वो था जब मैं मर रही हूँ अकबर

तुमने मेरे बेटे को मारा इस बात का भी मुझे दुख नहीं पर तुमने उससे बोलना बंद कर दिया उस बात द लास्ट वन कमिंग योर वे मैम इफ आई आई मेट यू यू इन 20 2060 saying, 1960 एंड टोल्ड दैट मैं मटके से पानी लेके मुंह धोती अपने को चुटकी काटती

सास और बहू का इतना ड्रामा वो आप टीवी पे देखते हैं उससे बहुत अलग कंटेंट है एंड दे वॉच और अगर फिल्मी भाषा में कहें तो इसमें 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 मिस्ट्री भी है uh, रेस मेरे दो गाने हैं अगर आपको गाने ही सुनने हैं तो गाने हैं इसमें रोमांस भी इसमें सब कुछ है पर इसमें सच्चाई है।